हेलो यूट्यूब, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं ओवरलॉक पे बना रही हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। तो इसे आप नॉर्मल रेगुलर मशीन के साथ किस तरह से आप ओवरलॉक कर सकते हैं उसका मैं तरीका बताऊँगी। इसमें इट डजेंट मैटर कि आपकी कौन सी मशीन है या कौन से ब्रांड की है या किस तरह की है। आप सिंपल हैंड सोइंग मशीन जो वैसे आप जिसके साथ जो वैसे बिजली के साथ नहीं भी चलती है उसके साथ भी आप जस्ट आपको एक एक टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से आपने करना है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो नीडल है इसकी मशीन की नीडल को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा जब हम करने लगते हैं। अब इसमें और इसके जो ओवरलॉक के लिए जो कॉर्नर होते हैं इसको हम कट करके बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं ताकि ये आपको बॉदर नहीं करें। और इसमें दूसरा ये कि स्पीड फिर हम कम रखते हैं, ज़्यादा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाली है मशीन तो आप उसमें स्पीड ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इसका स्टिच जो है वो भी आप नॉर्मल पे रखेंगे। तो अगर हाथ वाली मशीन है तो देन इट्स ओके, जो भी जैसे भी आप चलाती हैं। तो इसमें ये फुट आपने ऐसे ही रखना है, पहले जो पहला स्टिच हम लेंगे वो फुट नीचे करके लेंगे इसका ताकि एक दफ़ा मशीन के अंदर ये कपड़ा आ जाए। बस इतने स्टिच आपने दो तीन लेने, फिर आपने ये इसका ये फुट जो है ये ऊपर कर देना है। अब आपने आराम से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही स्लोली ये काम होता है इसका, इसमें आपने तेजी नहीं दिखानी है आपने। और इसमें आपने कपड़े को स्ट्रेच करके रखना है यूं इस तरह से। और इसमें एक और चीज मैं बताऊं, इसमें धागा काफी टूटता भी है, वो अगर आपको धागा टूटता नजर आए तो आप उसको दोबारा लगा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा वो मशीन जो है उसका स्टिच सही नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे उसको दोबारा से कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये दोनों साइडों से इस तरह से आप इसको इसका स्टिच छोटा रखेंगे, आप स्मॉल साइज का, इतना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और ये इस तरह से अगर आपसे थोड़ा सा इरेगुलर भी हो रहा तो इट्स ओके क्योंकि ये ओवरलॉक है और आप और ये बाहर तो नज़र ही नहीं आनी। इसी तरह से आप ये पूरे का पूरा इसको ओवरलॉक कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपने इसको पूरे का पूरा ओवरलॉक कर लेना। मैंने इसका कलर दूसरा इसलिए चूज किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं ये किस तरह से इजीली हो जाती है, ओवरलॉक हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इतना आप जिस तरह से आम मशीन पे क्लॉथ सीते हैं वैसे नहीं सी सकते हैं, इसको थोड़ा
आपको स्पीड अपनी लो रखनी पड़ेगी, स्लो स्पीड के साथ आप करेंगे। अब मैं हिडन सिलाई इसमें लगाऊंगी, जिसे हम गुम सिलाई भी कहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे आप सपोज कर लें, हम ट्राउज़र वगैरह के ऊपर जो सीधी सिलाइयाँ होती हैं उनके लिए हमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए अगर आप ये वाली हिडन सिलाई भी कर लें तो बहुत अच्छी रहती है, उसमें सारे कॉर्नर उसके कवर हो जाते हैं। जैसे आप सपोज करें कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो है वो सीधी वाली साइड है, प्रिंटेड है साइड या जो भी आपका कलर है, तो पहले हम उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इसके ये कॉर्नर सारे काट के इसको सीधा करेंगे। ताकि इसके धागे जो निकल रहे हैं वो ना निकलें। यूं आपने इस तरह से इसको काट लेना है। फिर उसके बाद ये आप सपोज कर लें कि ये वाला जो है ये प्रिंटेड है, या ये वाला जो आपका सीधी साइड है कपड़े की वो साइड है, ठीक है। उस पर हमने सिलाई, ये वाली उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट वाली, और उसे बहुत थोड़ा सा मार्जिन देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन हाफ फुट का ये वाला जो होता है, ये वाला उसके अंदर सिलाई के अंदर लेंगे, ताकि वो ज़्यादा चौड़ी भी ना हो। इसके लिए मैं डिफरेंट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अदरवाइज आप लोगों ने डिफरेंट धागा नहीं यूज़ करना है, आपने सेम कलर का धागा ही यूज़ करना है जो आप सूट के लिए कर रहे हैं। ये मैं पीछे से कपड़ा जस्ट इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरी आदत है कपड़े को यहाँ से पकड़ने की भी, अदरवाइज आप जैसे भी आप बनाते हैं आप वैसे ही बनाएं। जितनी भी आपकी लंबी लंबा कपड़ा है जितना भी, तो आपने उस सारे के ऊपर इसी तरह से ही सिलाई कर लेनी है, और उसमें सिलाई का मार्जिन इतना ही आपने रखना है जितना मैं रखती हूँ। सिलाई का मार्जिन आपने इतना रखना है, इतना, इससे ज़्यादा होगा तो आपको उसके अंदर कवर करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपको उतनी स्पेस कपड़े की छोड़नी पड़ेगी जब आप कटिंग करेंगे कि आपने कितनी सिलाई छोड़नी है। ये देखें, ये अब मैंने सिलाई, ये सीधी सिलाई लगा ली इसके ऊपर। अब आपने क्या करना है, इस कपड़े को यूं आपने करना है इस तरह से, और फिर आपने इसे इस तरह कर लेना है ऐसे। अब ये वाली जो साइड है ये कपड़े की उल्टी साइड है, जिसके ऊपर ये वाली इस तरह की सिलाई आई है, ये कपड़े की उल्टी साइड है। और आपने ये देखना है कि ये वाली जो चीज़ है, ये अब क्योंकि ये सीधी साइड पे लगा हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाली चीज़ जो है वो बाहर ना कहीं निकले, तो आपने उतने मार्जिन पे सिलाई लगानी है। अब आप इसे बराबर करेंगे यूं, और फिर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तकरीबन ये सिलाई लग जाएगी हाफ एन इंच, या जितना आपने कपड़ा उसके अंदर लगाया है, पहली सिलाई के अंदर दिया है, उससे आपने ज़्यादा रखना है मार्जिन इसका, ताकि उसका कोई धागा वगैरह बाहर ना निकले। यूं आपने इस तरह से करते जाना है इसे, यूं ऐसे, ताकि उसको चुनट नहीं पड़े। और यहां से आप थोड़ा सा जब आप सिलाई कर लेंगे, फिर आपने देखना कि यहां से धागा तो नहीं उसका निकल रहा।
अदरवाइज मैंने इतना मार्जिन, इतने मार्जिन पे वो सिलाई इतने मार्जिन पे की, तो अब मैं इसे डबल कर रही हूँ तकरीबन। आप कमीज के बाजुओं पे अगर आपको जोड़ लगाना है या कोई शर्ट पे कलियां वलियां डालनी है तो वो भी उसकी भी इसी तरह से सिलाई हो सकती है। ये देखिए, अब आपका ये वाली जो साइड थी ये हमारी कपड़े की सीधी साइड थी, तो ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगी सिलाई, इस तरह से स्टिचिंग होगी। और इस साइड पे भी ये देखें, इस साइड पे भी कोई धागा या कोई भी उसका एंड नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसे हमने अंदर कर दिया है। तो इसे हम हिडन सिलाई भी कहते हैं या इसको हम गुम सिलाई भी कहते हैं। तो ये देखें इस तरह से आप, और उतना ही नीट और नफीस सा कपड़ा इस साइड पे नज़र आएगा आपको, कुछ इसका वो एजिंग नज़र ही नहीं आएगी। और इस साइड से भी ये देखें आप, कोई धागा उसका निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम ये वाली सिलाई करते हैं, तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये था हमारे, ये दोनों वीडियोज़ मैंने जो बनाई हैं आज, इसकी एक ओवरलॉक की और एक इसकी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और इसे प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें।